जल्दी जागना हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है, चाहे वो नींद से हो, चाहे वो अहम से हो, चाहे वो वहम से हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर हमने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है, हमारी जॉब नहीं लग रही है, सर हमें पता नहीं था। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आया हुआ है। सिनर्जीशिप मैनेजमेंट ने फॉर्म्स निकाले हैं। सिनर्जीशिप मैनेजमेंट अच्छी कंपनी है, अभी बूमअप कर रही है, कंपनी के पास शिप्स भी आ रहे हैं काफ़ी। तो दोस्तों, उसका अप्लाई कैसे और कहाँ करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फटाफट देख लोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं सिनर्जीशिप मैनेजमेंट। तो इन्होंने 3 रैंक के लिए वैकेंसी निकाली है। फर्स्ट डेक कैडेट, सेकंड इंजन कैडेट, थर्ड जीपी रेटिंग। अब ये कौन से विद्यार्थी हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अपने आवेदन कर सकते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं डेक कैडेट से। डेक कैडेट से मैं बताता हूँ, तो डेक कैडेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे। डेक कैडेट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जन्म जो बॉर्न होना चाहिए, इट शुड बी आफ्टर 1 जनवरी 1997। इस केस में जो अभी ये वैकेंसी निकली है, 1 जनवरी 1997 के बाद उसका जन्म होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 65% होने चाहिए एग्रीगेट और इंडिविजुअल भी। अब एग्रीगेट और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है? अभी एग्रीगेट तो जैसे आपके ओवरऑल हो गए, ओवरऑल वो आपके 65% से एक्सीड होना चाहिए, और 65% होना चाहिए। 66 भी चलेगा, 67 भी चलेगा, 68 भी चलेगा, 65 से लेके आपके कितने भी मैक्सिमम है, लेकिन 64.9 नहीं चलेगा। ये हो गया ओवरऑल। इंडिविजुअल में फिजिक्स में 65 चाहिए, केमिस्ट्री में 65 चाहिए, मैथमेटिक्स में 65 चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी अगर आपके 64 हैं या 64.9 है, तो वो विद्यार्थी इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये उनके लिए है जिनके तीनों में 65, 65, 65 होना चाहिए, एंड इंग्लिश में मिनिमम 60% होना चाहिए। मैं डेक कैडेट की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इंजन कैडेट वाले कन्फ्यूज ना हो इससे, और जीपी रेटिंग वाले कन्फ्यूज ना हो, उनके लिए मैं अलग से बताऊँगा। तो ये तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो बात की है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, एग्जाम कब होगा और कैसे होगा एग्जाम, वो सारी इस वीडियो में बताऊँगा। पहले आप रिक्वायरमेंट सुन लें। तो ये मैंने इनकी बात करी, अब मैं बताता हूं आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है 11 अगस्त, एंड डेट ऑफ जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 8 अगस्त टिल 1800 आवर्स, मतलब शाम के 6 बजे तक आप भर सकते हैं। उसके बाद भरेंगे तो आपके कॉल लेटर नहीं आएगा, और एग्जाम डेट है 11th। तो आइए पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 65 65 65 इंडिविजुअली होने चाहिए, एंड इंग्लिश में चाहिए 60%। तो ये रिक्वायरमेंट जहाँ पर मीट होती है वही बंदे इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कौन कौन भर सकते हैं? जिन्होंने प्रीसी ट्रेनिंग पास कर ली है, जिन्होंने, यहाँ कंफ्यूज मत हो, जो 12th में अपीयर है वो ना भरे, या जिन्होंने 12th पास कर ली है, ये उनके लिए है। जिन्होंने प्रीसी ट्रेनिंग पास कर ली है या फिर जो प्रीसी ट्रेनिंग में अभी रिज्यूम कर रहे हैं, यानी कि प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ये डेक कैडेट का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आइए इंजन कैडेट की बात करते हैं। तो इंजन कैडेट के लिए जो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए वो 1 जनवरी 1995 से पहले आप, इसके बाद में जन्म होना चाहिए, 1 जनवरी 1995। तो यहाँ पर आपको 2 साल मिल गए हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम क्रिटेरिया है, जो
मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने मरीन इंजीनियरिंग कर ली है वो इस फॉर्म को भरें। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली 65 65 65 होने चाहिए और इंग्लिश में 60% होने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डाल दूंगा कैसे क्या भरना है, लिंक भी डाल दूंगा। तो इनका क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं जीपी रेटिंग वालों की। तो जीपी रेटिंग वालों की क्या रिक्वायरमेंट है? तो जीपी रेटिंग वालों की दोस्तों उनका भी जन्म 1 जनवरी 1997 के बाद होना चाहिए, 1 जनवरी 1997 के बाद होना चाहिए। और जो जीपी रेटिंग कर रहे हैं या जिन्होंने जीपी रेटिंग कर ली है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो मैंने जैसे कि बताया 8 अगस्त 2021 शाम को 6 बजे लास्ट डेट है। 8 अगस्त 2021 शाम को 6 बजे के बाद तक ही, 6 बजे से पहले तक ही आप भरें, उसके बाद ये फॉर्म ना भरें। जो एग्ज़ाम की तिथि है, आपके पेपर देने की तिथि, वो है 11th अगस्त 2021। तो ये फंडा क्लियर हो गया। अब जीपी रेटिंग में 10th क्लास में मिनिमम 50% होने चाहिए। 50% से जिनके कम है वो इस फॉर्म को ना भरें, या जिनका जन्म 1 जनवरी 1997 से पहला हुआ है वो इस फॉर्म को ना भरें। ये दोनों क्रिटेरिया मीट कर रही हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये उनके लिए सुनहरा मौका है। जिन्होंने जीपी रेटिंग, डेक कैडेट कोर्स या मरीन इंजीनियरिंग कर ली है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आप मेहनत में लग जाइए, पढ़ाई में जुट जाइए। 11 अगस्त हो सकता है आपकी किस्मत चेंज हो जाए और आपको इस सिनर्जी कंपनी मौका दे दे। सिनर्जी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, इसके पास कई सारे शिप हैं। आज से 1 साल पहले मैंने एक लड़के का करवाया था, हो सकता है वो मेरी वीडियो देख रहा हो। बट दोस्तों मैं हर किसी को अपना रेफरेंस हर किसी कंपनी में नहीं दे सकता हूँ। आप मेहनत करिए, मेहनत करके डेफिनेटली आप एग्ज़ाम निकलेंगे। एंड मेरा फुल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट आप लोगों के साथ है। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो को यहीं तक बताऊंगा। डेफिनेटली आप ये वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।